अच्छा भैया, हम गायक प्रमोद लाल यादव बनारसी आप लोगन के बीच में एक वीर रस कबीरहा लेकर के आ रहल बानी और हमें उम्मीद हो कि आप लोगों के बहुत पसंद करिहन। सौजन्य से हम कलाकारों के गार्जियन और हमारे बड़े पिता आप प्रकाश यादव जी मलदहिया वाले जी के देख रेख में ये हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ यहाँ से रिकॉर्ड होकर के आप लोगन के बीच में यूट्यूब पर जात बा और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाई के आवा। पर झुका ना सका झंडा ऊंचा रखे उन दीवानों की जय। आरती जिसकी सूरज चंदा करे राजमणि गूंजती तरानों की जय। ए भैया, काल भी जिससे पंजा लड़ा ना सका ऐसे जाबाज जंगी जवानों की जय। इस देश में एक से एक नाहर नाहर वीर जुझारू बलिदानी वीर पैदा भइलन और यही देश में एक से एक संत ऋषि भी जन्म लेहलन। यही देश में भगवान का भी अवतरण भयल है। इस देश के पानी माटी एकदम खरा हो बात और समय को मिली जौने समझ इ देश अंग्रेजन के गिरफ्त में अंग्रेजन के चंगुल में कराहत रहे वही समय का बात हो। एक लाइन गीत है कमन मंचवा पे आप लोगन सुनेला लेकिन तनी से झलक दे देते कि काबे में अरे काबे में तेरा जलवा कासिम नजूर। लेकिन कभी जी इशारा करत हुआ कैसे से। कवि जी यहां देखा वीर रस के लाइन में एकदम प्योर वीर रस है आवा। कहे के हा? सुने वाले भैया तनी ध्यान दिया आवा। अरे ईमान वतन है मेरा सर्वस्व समर्पित
शेर हुआ। ए भैया बात कर समझला, देश में रहे वाला हर बच्चा बच्चा ईमान अरमान और भगवान अपने भारत के समझलन, इस देश के लिए सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं, खून का आखिरी बूंद भी बहावे से पीछे ना हटतन। एक कहानी मिल गई है, अंग्रेजन के रानी रहल एलिजाबेथ, बड़ा खूबसूरत रहे, अपने खूबसूरती को के बड़ा नाज रहे, और जब ओकर जन्मदिन आवे तो देश के कोने कोने में ओकर प्रशंसक कौवाली डांस करवावे और दिन में कुश्ती भी करवावे। तो जब दिन में कुश्ती करवावे तो बेलूर जो कि कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित एक नगर है बेलूर, और वही बेलूर में एक अंग्रेजी पट्ठा जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन आया है और ऐलान कर दिया है यहाँ पर कोई जो हमसे कुश्ती लड़ ले। मंदिर रहल हनुमान जी के, हनुमान जी के विषय में अब शब्द बोले लगल, हनुमान जी की आप लोग पूजा करते हो ऐसे ऐसे सब हो, चढ़ जाऊंगा तो हड्डियां भी पिस जाएंगी, और बनते हो पहलवान, अंग्रेज ललकार के बोलता है कोई यहाँ पर पहलवान जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, आओ लड़ लो। ललकारत हो लेकिन जोन उस्ताद लोगन रहला, उस्ताद लोगन का हिम्मत ना पड़त है, कल के जाई भैया, और वही महफिल में एक पहलवान गांव के ग्रामीण पहलवान रहे जो न खड़े का लतमरुआ होला, वह पहलवान रहे ओकर नाम रहे महावीर बमबम पहलवान, और बमबम पहलवान जब सुनलस खून खौल गई कलस की अरे तू लोगन बैठ के सुनत हुआ कि जाके हथवा मिलेबा, लोग कहला हमार ना मिलावे के तू जाके मिला ला, कलस की ठीक है किचकिचा था, लेकिन वही बेलूर के राजा का बिटिया रहे जेकर नाम रहे नंदनी अखाड़े पे खड़ी हो, और तब तक बमबम पहलवान पहुंचलन और जाए के वही नंदनी से कहलन कि इनसे हम लड़ब, नंदनी कहलस इनसे लड़बा, कहे हाँ इसने आकर के हमारे देश में हमारे घर के अंदर घुस के हमें चैलेंज किया है, तो इससे तो लड़ूंगा। नंदनी बड़ा खुश भइल कि बा रे लाल देश का इज्जत रखे के लिए अइला त, और जब आयल ह तो नंदनी जाए के दोनों पहलवानन का हाथ मिलवा देलस, जब हाथ मिलवा देलस तो कुश्ती का डेट कब पड़ल, एक महीना बाद कुश्ती होई, लेकिन अंग्रेजन के मन में डर हो कि अस न हो कि सरवा पटक दे, पटकाए तो जेबे करी तो क्लियर हो, लेकिन मने में कहीं ना कहीं डर है कि कहीं सरवा पटक न दे। एक दिन रात में एक महीना का डेट आगे बढ़ाए के कुश्ती रखल गयल, और रात में अंग्रेज पहुंच गिना बमबम पहलवान के घरे, जब पहुंचल हुआ तब एक लाइन तर्ज लगल, बड़ा हिट गीत था गीत के, हमारे गुरुजी विराज सम्राट फिल्म अभिनेता विजय लाल यादव गुरुजी गौले रलन टी सीरीज कंपनी से गीत आईल है, कौन गीत है, अरे गोरी तोरी चुनरी बलाल लाल रे, अरे गोरी तोरी चुनरी बलाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बलाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल जाल रे, अरे गोरी तोरी चुनरी बलाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बलाल लाल रे, रोड पे चल दिया दिया पहलवान से कहना सुनो 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 सुनो, हाथ मिला के आए हो लड़ोगे, कहे हाँ, कहे सुनो एक मिनट हमारी बात को सुन लो, का कहे, अरे जीतबा तो होई तो हार काल रे, ए
अरे जितबा तो होई तो हार काल रे, जितबा तो होई तो हार काल रे, हर बात हो जाइबा मालो माल रे। अरे जिया 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 भैया चाहत हुआ मालो माल होवल चाहत हुआ कि काल के गाल में जायल चाहत हुआ। बम बम कहला मतलब समझ ली ना, कहला हम ढेर समझाई ला भी ना, साफ हो समझ जी बात ठीक है, नहीं तो फिर हम ना समझाई। अरे बम बम के पाजी अंग्रेजी धमकावे, बम बम के पाजी अंग्रेजी धमकावे, सूरज सुगनवा के घर से उठावे, हो घर से उठावे। अरे चिल्लाया जनी हाय लाल रे, चिल्लाया जनी नहीं हाय लाल रे, चिल्लाया जनी नहीं हाय लाल रे, हर बात हो जाइबा मालो माल रे। अरे चिल्लाया जनी नहीं हर बात हो, ए भैया अंग्रेजवा आए के कहलन कि सुना अगर जीत गईला पूरे परिवार को नस्तनाबूत कर दिया जाएगा, अगर हार जाइबा तो इतना माल मिली इतना रुपया मिल जाई, जीवन में कबो देखले ना होबा तो हर सात पुस्त बैठल खाई। कहे ओ ई बात हो, कहे हाँ, कहे ई बात हो, कहे हाँ, और एक बात और सुना, कौनो ठीक नहीं है, तू लोग हिंदुस्तानी हुआ, यहाँ का देबा ठीक है, वहाँ जाके पलट जाइबा। बम बम पहलवान का बेटवा रहे जेकर नाम रहे सूरज, सूरज के उठा लेलन कलन कि सुनो, जिस दिन पटका जाओगे उस दिन सूरज तुम्हारे घर पे जिंदा आ जाएगा, पटक दोगे तो सूरज आएगा जरूर लेकिन जिंदा नहीं रहेगा। उठा के लेके चल गई लन अभिहरी बैठ के, बम बम पहलवान मन महसूस के बैठल हुन कि अब हम का करी, पद पानी कैसे हिंदुस्तान का बचाई। अरे जौने मट्टी में जन्म लेली, जौने मट्टी में खेलल पलल बढ़ल है, जौने मट्टी का कर्ज हम पर, ई मिट्टी का लाज कैसे हम बचाई। बैठ के सोचत हुअन और वही समय बेलूर का राजा अंग्रेजन का तनी चमचा रह। अंग्रेज कहला कि तू अपने तरफ से एक दूध घी भेजल करा खाए बदे, लोगन के निगाह में रहे कि दूध घी भेजत है लेकिन ओकरे अंदर नशा वाली पदार्थ रहे। अब वो नंदनी से अपने बिटिया से बेलूर का राजा अपने बिटिया से भेजत हुन की लड़की के देखी तो शराब पी, और जब शराब पी तो शराब के बाद एक सबाब चाहिए, देखा सारे को कर कहे कि अपने लड़किए के भेजत है कि जा और ओके एक पियाइया चाहे जैसे भी, लेकिन नंदनी के अंदर देशभक्ति रहे। उ ले के जब घर से निकले, घरे से निकले तो ले के शराब, लेकिन रस्तवा में आवे तो ओके गिराए के उमे भर ले वे दूध, दूध भर के और ओकरे बाद मेवा ववा सब खरीद के लेके जाए और ले जाए के बम बम पहलवान के पास में बैठल। कलश का बात है, क्यों मन मार के बैठे हैं आप, कहे का बताई। अंग्रेजवा आलना ऐसा ऐसा काम करके गल हुआ, कह तू घबरा मत, तोहर लड़का सही सलामत जिंदा तोरे घर पे आई, बस एक बात ध्यान रखिया कि इस देश की आन बान शान पे कोई आंच ना आने पाए। जैसे आके घर में ललकार के गए लो वैसे ही पटक के आया। कर्ज है तो पे धरती का कर्ज हो, देश का कर्ज हो, जवन माई तो के जन्म दे ले इनू माई का कर्ज हो। पटकाया मत, जब हौसला बढ़ौला सो तो रोज चप के दूध पिए, चप के बादाम खाए, घी खाए, रियाज करे, लगे कि दिन दुना रात चौगुना जोरवा बम बम बढ़त बा। जब आयल है अखाड़े पे ताल ठोक के आमने सामने जब भैलन पैतरा बना के तो भयल का। Hey!
अरे तक कोई पंजा, अरे कोई पंजा, अरे कोई पंजा लड़ाने वाला नहीं, कोई पंजा लड़ाने वाला। हौसला से हिमगिर के भी चकनाचूर का देव नस्तना बूथ में मिलाए दे, हिंदुस्तान का बेटवा है हम। ए भैया कहा था दमह के तना देख भैया खाड़े, लड़ूंगा लड़ूंगा पट्ठा दहाड़े, अंग्रेजन में चल के हम देख ले, अब लड़ब लगल ताल ठोके, कह पानी परान जान पानी में हमारा, अगर काल भी सामने आई तो एक मिनट वहू के रोक देव की रुको, देश की लाज हमारे सर पे है। चल रहो तब अरे तब पानी भी नहीं रा मोती पथरा, अरे पानी बिना हीरा मोती पथरा, पानी बिना बिरथा सावन सरिता संग सोती, जिया सावन, पानी बिन बिरथा सावन सरिता संग सोती, पानी बिन हीरा मोती पथरा। तो गरज उठी बम बम की दुल्हन, अरे गरज उठी बम बम की दुल्हन, पिया देश प्रेम ही सच्चा है, भारत माता की गोदी का हर बेटा अपना बच्चा है, बेटा मरता मर जाए कहे सुना इखे लइका बदे तू जवन मन में सोसत रहला, सुना ई देश का हर बच्चा बच्चा हर लड़का हमहन का बच्चा हुआ, हम सब पूरा देश के लोग हमन भाई बहन है, सुना एक लइका बदे मतरवा बहुत लइका हुआ, तो बेटा मरता मर जाए दूजा बेटा जन्माएंगे, लेकिन पानी मर जाने पर हम पानी कहां से लाएंगे, कह सुना लइका मर जाए ठीक दोबारा आप रहबा हम रह दोबारा लइका हो जाए, लेकिन अगर इज्जतिये चल जाए तो फिर कैसे लिए बा। सुनिए गुरु गोविंद और जफर सफर की याद हमें कुर्बानी है, अरे हौसला हिमालय को छूता अब जागा जोश जवानी है, अरे जीतेगा पट्टा भारत का हर घर से चले हिंदुस्तानी है, आज देखना है किसमें कितना दम या कितना पानी है, हौसला जब बढ़ौले है
तब बम्बम कलन किए ऐ दुल्हन, बम्बम को दुल्हन जब हौसला बढ़ौलस, बम्बम पहलवान कलन किए ऐ दुल्हन बस करो अब हमके जाए दा अखाड़े में। दिन नियर आयल है, जब ये अखाड़े में पहुंचल है तो सोचत है कि चला देखब इनके में कितना ताकत है। भारत के कोने कोने से लोग पहुंचे लगलन बेलूर में उ देखे के लिए कि कैसे कुश्तिया होई। भयल का भैया के लिए यहर बम बम पहलवान सवेरे सवेरे हनुमान जी का दर्शन करके महावीर टीका लगाई के एक कान्हे पे निगोटा चढ़ी फेंक के एकदम मातल हाथी नियर एकदम झूमत के अखाड़े कोरी चलल हुआ। तब साब ससेरे हिंदी लोग ललकार जर्रा जर्रा जहारा जयकारे अरे कसलन गोटा बाजी पीरा पलवनवा पहल वनवा चल लेना पहल वनवा चल लेना जय जय बोल हिंदुस्तान भैया। बम बम पहलवान के लोग देख के कहे जियो सर, अरे शाबाश हिंदुस्तान जयकार करत है। और जंघिया निगोटा कसके जब चढ़ल अखाड़े पे तो आमना सामना जब भयल तो बम बम पहलवान और रॉबर्ट ब्राउन पहला तनी से देह गरमौले हुआ। देह गरमाए के यहर वहर यहर वहर यहर वहर करत दाएं से पटक दिला। जब पटक देलन तब रेफरी के जीत दे देवे के चाही लेकिन बेईमानी करे लगला कहे कि रेफरी भी अंग्रेजन कर है। पूरा हिंदुस्तान का लोग चिल्ला देला बास सर बात कुश्ती हो गई लेकिन रेफरी कुश्ती माने के तैयार है ना बा। रेफरी कलस की नहीं हुआ है भयल का फिर भाई रे परिमान न कुश्ती फिर भाई ली बजानिया रे यगिनिया लागल बम बम बदनिया ना रे परिमान न कुश्ती फिर भाई ली बजानिया रे बदनिया लागल पंद्रह सेकेंड में खत्म खेल सारा दंगल में गूंजे जय तारा तो साजिश का मन अली बाचल साजिश का मन अली बाचल हिंद का पानी यारे यगिनिया लागल बम बम बदनिया ना
दोबारा जब कुश्ती होए लगल बम बम पहलवान एहर वहर झुमावत लगावत दाव काटत दाव पा गिलन मौका और घुस गईलन काला जंग। जब काला जंग घुसल दाई से उड़ के रॉबर्ट ब्राउन जो अंग्रेजी पहलवान रहे दाई से उड़त उड़त गिरल अखाड़े में मात्र 15 सेकंड में दाई से जब पटकलन जब पटक के दोबारा खड़ा भइलन कि चला साजी से नहन का ना चलल फिर यदम जय जय इंडिया चिल्लाए लगलन। जब जय जय इंडिया चिल्लैलन तब फिर से रेफरी कहलस कि अब अहियो कुश्तिया नहीं भइल। लोग कहल कि अरे यार ये अंग्रेजवन के अखिया में चन्नर मार दिले है का दू बार पटक दिलस तब वही कुल कथुआ की कुश्ती ना भइल एक बार फिर हुई। जब फिर हुई तब भयल का प्रचंड पारुष अरे प्रचंड पारुष पहलवान पहचान प्राण से प्यारा बाप तदेश भक्ति जैसन भक्ति जान प्राण से प्यारा बाप अरे त दो बार कुश्ती गोरा खाया अरे दो बार कुश्ती गोरा खाया माना नहीं कसाई हो तीसरी बार पटक के बम बम सीना दिया दमकाई हो। अरे तक कूदी अखाड़े अरे कूदी अखाड़े पिटिया पिस्तल तानक प्राण से प्यारा बाप अरे विजय घोषित कर ले बनाता जान प्राण से प्यारा बाप। दो बार कुश्ती अंग्रेज हार गईलन ना मानत हुअन फिर कहलन कि एक बार कुश्ती और हुई तब मानल जाई। ई दोनों बार कुश्ती ना भइल हमहन कन्फ्यूजन में है बात है साफ। अच्छा त जेकर लाठी वही के भइस अंग्रेजन के हुकूमत रहल लोग करे भी का लोग अंग्रेजवा सोचल एक मौका और देदा का दो यही में पटका जा। लेकिन जब तीसरा मौका देले हुए तब तीसरा में जब कुश्ती हो था तो देखा होत का भैया अरे डटे अखाड़े तब दूनो हो पट जय बजरंग बली हो सरकार अरे किंग कमीना हो हाथ मिलाया अरे किंग कमीना हो हाथ मिलाया अरे झट से साखी गोरा दिया मा अरे गिरते गिरते
ए भैया दाव पेच के तनी आनंद ले जा लोगन। कुश्ती हो था तीसर की बार, दोनों पहलवान एकदम आमने सामने होंगा। बेलूर का राजा किंग, बेलूर का राजा आए के फिर तीसर की बार हाथ जब मिले उलस, अंग्रेजी जो उन पहलवान रहे झटाक से तैयारी में सखी दाव मरलस। और जब सखी दाव मरलस तो गिरत गिरत अपने आप के संभाल लेलन बमबम पहलवान। अब यहर से बमबम लगावे बमबम पहलवान दाव, और यहर से अंग्रेजी पट्ठा लगावत है यहर धोबिया पाठ बमबम पहलवान लगौलन। तब तक ब्राउन काट के ब्राउन पहलवान दाव के काट के मुल्तानी दाव लगौलस। वही में बाकुड़ी लगत बा खूब अपने में जूझत हुआ लोगन, और काला जंग एकदम गोरा जब मल्ले हो वो दाव के काट के बमबम पहलवान या खाड़े में ललकरलन कलन की याँ। बड़ा मजाक हो गयल, अब सार तू बचबा ना। गैलन चाप के पकड़लन चरखा दाव पे नचार के दाई से पटकलन। अखाड़े पे जब गिरल तो चारों खाना चारों खाना चीत, चढ़ के सीना पे लगला दुमका कहे कि बोल बोल अब कुश्ती भइल कि ना। चार बार हुमुच देहलन वो जौन अंग्रेजी पहलवान रहे ओकरो मुँह से खून आ गए। अंग्रेजवा कहलन दौड़ 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 धर धर निमुआ दे। और तब तक अंग्रेज दौड़त हुआ, और तब तक वही बेलूर का राजा जो जेकर बिटिया नंदनी रहे दमक के आई है अखाड़े पे और खड़ी भइल है, और पिस्तौल निकाल के रेफरी के कनपट्टी पे सटाए के कलस की सुनो बेईमानी मत करो। एक बार बेईमानी होला तीन तीन बार बेईमानी करबा, तीन बार पटकले हो लगातार एक कनी गोटा पे और सुना अब जीत देदा नहीं तब तू मार जीबा। कहा कि हाँ तो जीत दे वही की हुई जीत दिया गयल बमबम पहलवान के। जब बमबम पहलवान के जीत दियायल हा तब भयल का अरे फिर भी सजा के रख, अरे फिर भी सजा के रख लान बान अरे ब्राउन का छतिया का टूट गई हड्डिया चढ़ के छाती पे दुमचत रहला बमबम पहलवान कला बोला कुश्तिया भइल कि ना। चाप के दौंच देला ओकरे सीने के हड्डिया टूट गई, मुँह से खून आवे लगल रॉबर्ट ब्राउन पहलवान के। कला कि ब्लडी बास्टर्ड
अब दोबारा हम हिंदुस्तान में कुश्ती लड़ने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ के आदमी ऐसे कुश्ती लड़ता है, सीने पे चढ़ के उमच दिया, हमारा हड्डी टूट गया। अंग्रेज कुल कहना इट्स ओके लेके कुल चल गई ना। और यार अंग्रेजी शासन का लोग कहना कि इनाम तो इनके दिया ही जरूर। बम बम पहलवान के जौन बेटवा रहे जौने के अगवा लोग कैले रहना, उठा के लेके चल गल अंग्रेज। वही लड़का का गर्दन काट के एक ठे थाली में रख के ऊपर से लाल कपड़ा से ढक के अखाड़े के बीच लेके अलन। कलन के अरे पहलवान, तुमसे तो कहा गया था, तुम माने नहीं, तो लो इनाम स्वीकार करो और इस लाल कपड़े को थाली पर से हटाओ। जब लाल कपड़ा के थाली पर से हटौलन बम बम पहलवान, ए भैया करेजा मुंह के आ गया। सोचना कुछ इनाम हो, कुछ बढ़िया चीज हुई, लेकिन जब कपड़वा हटौलन तो ओ नहीं का जन्मल उनकर बेटवा सूरज का चेहरा रहा। सर रह देख के गिर पड़लन अखाड़े के बीच, कहना हाय लाल कह के गिर पड़लन। पूरा हिंदुस्तान शोक के लहर में डूब गया। और वही समय बेलूर का राजा का बिटिया नंदनी समझ गई कि ई हरकत के हुआ और ना हमारे बाबूजी कहो ई अंग्रेजन का चापलूस होंगे। तो एक देशभक्त के बेटवा का गर्दन कटल हो, एक देशद्रोही का भी गर्दन कटाई। अरे देशद्रोही का बिटिया कहे से बढ़िया हो कि हम बिना बाप के ई धराधाम पे शान से रहब। पहुंचल है बाबूजी के लगे, बाबू कहले कि बेटी यहाँ कैसे, कहे बाबू कुछ हिसाब हो। कहले कैसन हिसाब हो, अब ही बतियौता हो, तब तक निकाल के तलवार दाएं से मरलस गर्दन कट गयल। ओके उठा के ठे झोला में भर के लेके आईल हा बम बम पहलवान के पास। कहे पहलवान बहुत दुख हुआ, अंग्रेजों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन ये लो जो हम तुमको इनाम दे रहे हैं ये देखकर बहुत खुश हो गए। बम बम पहलवान जब झोला खोलन बाहर जब निकलन तो जब वो बेलूर के राजा का गर्दन जब देखलन अवाक से एकदम रह गिलन कि अरे ये तो आपके पिताजी हैं, अपने बाप का गर्दन काट के लाई हो। कहे ए पहलवान चौका मत, चौकने वाली कोई बात नहीं है इसमें, सुना हमार बात, इ देश का गद्दार रहलन तू देशभक्त रहला और तोहरे बेटा का जान गयल, एमन पूरी तरह से साजिश हमरे पिताजी का भी हो, कहीं न कहीं इनकर भी गलती, ई चाहतन तो बचा लेतन लेकिन ई बचौलन ना, यही न बचावे का इनके सजा हम देले है। और सुना ये के तू कबूल कला, अब हम घरे भी ना जा सकीला, कहें कि घरे जाई तो गांव घर कुल खानदान हमके ताना मारी कि हम अपने बाप का गर्दन कटले है, हम ऐसा ना होवे देव। और तुरंत निकाल के पिस्तौल अपने कनपटी पर सटा के ताए से मार देहलस, गिर गई हम तो बाहरे वीरांगना। कभी जी लिखत हूं का अगर इस धरती पे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी इस देश के लिए अपने जान की आहुति दिए तो बिटिया भी कहीं से पीछे ना हटली। बन के चंडिका रच देहली इतिहास बिटिया, झंडा हिमगिर पे फहरावेली भारत के बिटिया। बम बम पहलवान उ नंदनी जो देशभक्त रह, नंदनी का पार्थिव शरीर लेके कैलन का, अरे अंतिम संस्कार हुआ है गुजे जिंदाबाद, अरे जब तक धरती गगन रहेगा तरी जमाना याद। तो ये रहा हमारे देश का इतिहास, बड़ा कुर्बानी देने के बाद तभी देश आजाद भल है, आज हम लोग आजाद कहल जाइला। आज भी लेकिन अजदिया रोज रोज कुर्बानी मांगे ले, बॉर्डर पे आए दिन हमारे घरे का आपके घरे का भाई चाहे बेटा कुर्बान होलन शहीद होलन, तब कहना हो।
गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका। पानी बिना हीरा मोती पथरा, पानी बिना हीरा मोती पथरा, परमा